क्षेत्र में अभी जिस स्थान पर आए हैं हम लोग ने श्रवण किया, इसका नाम बेलवन व श्री वन है, बेलवन व श्री वन है। इसलिए अब लोग विभिन्न वक्ताओं के मुखारविंद से विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न अच्छी अच्छी बात सुने हैं। और रामचंद्र प्रभु तो एक बहुत बढ़िया जोकिंग किया है, बहुत कहाँ गए रामचंद्र महाराज। इसलिए देखो मैं भी एक जोकिंग बोलती था, एक समय देखना जब एक व्यक्ति शरीर छूटता है, चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं और राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य करते करते ले जाते हैं और उसको पीछे भी सब लोग राम नाम सत्य बोलते हैं। इतने में कृष्ण ने कहा, देखा लक्ष्मी किसका नाम ले रहे हैं, राम नाम सत्य है और गोपाल तेरा नाम कौन ले रहा है, लक्ष्मी का नाम क्यों ले रहे हैं है? और सबको ही बात झूठा है। लक्ष्मी ने कहा, अभी अभी देखोगे आपको दिखाओ ये कितने राम नाम कृष्ण नाम सत्य कह रहे, बोले क्या दिखाओ, बोले दिखाओ। इतने में माँ लक्ष्मी 2000 जो रुपया ना नोट के गड्ढी लक्ष्मी ने फेंकना शुरू किया और जो राम नाम सत्य कर रहे थे ना वो छोड़ दिया, पैसा उठाना सबके सब शुरू कर दिया, राम नाम गोपाल नाम सबके सब छोड़ दिए। इतने में ऐसे उसने इतने पैसा लुटाना लग गए, इतने पैसा लुटाना जो कंधे पर ले जा रहे थे चार व्यक्ति, उसने देखा भैया ये सबके सब लुटने लगे, हमें ले लुट लग, वो जो मरा शरीर था उसको झट नीचे रख दिया, नीचे रख कर वो भी क्या किया, वो भी पैसा लुटना शुरू कर दिया। लक्ष्मी ने देखा, देखा किसका नाम सत्य है, तब तक ये राम नाम सत्य कर रहे थे जब तक उनकी 200 रुपया की नोट नहीं मिल रहा था। देखा सबके साथ कृष्णा तुम्हारा नाम छोड़ कर इसका नाम सत्य बोलने लग गए, लक्ष्मी का नाम सत्य है। इसलिए भैया लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए तीर्थ महाराज बहुत अच्छी बात बताए थे, एक समय लक्ष्मी बिगड़ गई कृष्ण के ऊपर में है, कृष्ण के ऊपर में श्री बलदेव प्रभु के ऊपर में। बलदेव प्रभु ने कहा, देखा बोले देखो तुम्हारा लक्ष्मी कोई जात पात कुछ नहीं, बंगाली मायरा जात पात कुछ नहीं है, सबको घर में चली जाती है, सबको घर में। इसलिए खबरदारी लक्ष्मी को घुसने मत दिया करो। लक्ष्मी कभी इतने नाराज हो गए, कृष्ण बलराम को भी दर दर भटकना पड़ा, उनको भूखा नहीं, हाँ 12 साल तक भूखे रहना पड़ा, बिना खाए पिए इतने दुर्गति भोगना पड़ा, किसको, कृष्ण और बलराम को। बाद में जाकर के लक्ष्मी की शरण उनको लेना ही पड़ा। और यहाँ पर तो मूल लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी मूल लक्ष्मी है, इसलिए जब तक राधा रानी का कृपा नहीं होना तब तक भी श्याम सुंदर का है, तब तक भी उनकी डाल नहीं गलती है। यहाँ पर भी श्याम सुंदर राधा जी के चरण की सेवा को प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये लक्ष्मी यहाँ पर तपस्या कर रही है। कहती है लक्ष्मी क्यों तपस्या करती है, आप लोगों ने श्रवण किया था जिस समय श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए, जिस समय वेंकट भट्ट को साथ में उनको अब जो श्रवण कर रहे थे, उसने बोला मेरा प्रभु तो ग्वाला है, महाप्रभु बोले और तुम्हारी प्रभु तो कहाँ वैकुंठाधिपति है, माँ लक्ष्मी जिनकी सबसे बड़ा सेवक है, हमने सुना तुम्हारी लक्ष्मी हमारी ग्वाला को पीछे पीछे भागते हैं, ग्वालिया को पाने के लिए चेष्टा करते हैं। बोले कहाँ पड़े, हाँ वेंकट भट्ट बोले कहाँ पड़े, बोले भागवत में, बोले कहाँ पर, अभी प्रमाण दे रहे थे ना, तब उन्होंने 3-3 श्लोकों को उन्होंने उठा करके प्रमाणित दिया। इसका तात्पर्य यह है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुद्धि में तुम्हें सिद्धांत करेगा। अगर किसी ने भागवत का भक्ति रस में प्रवेश करना चाहते हैं, जब तक कि भक्तों का अनुगत्य, बोले कौन सा भक्तों का अनुगत्य, बोले चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग, चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का संग करना पड़ेगा, नहीं तो भागवत समझना इतने आसानी बात नहीं। इसलिए प्रभुपाद भागवत का जो प्रथम श्लोक है जन्मादस्य जतः, इसको श्री हमारे श्री बल्लभाचार्य जो कृष्ण पर भक्त है, केवल उन्होंने जन्मादस्य जतः सत्यम परम धीमहि, केवल उन्होंने कृष्ण को ही प्रतिपादन किया। लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती उसी श्लोक को जब उन्होंने लगाया, उन्होंने किस रूप में, बोले सत्यम परम धीमहि, कि जो परम शब्द है परम पराचेति पराम देवी कृष्णमयी प्रकृत राधिका परा देवता, उन्होंने राधा रानी में जन्मादस्य जतः जिस आदि रस का सृष्टि होता है, कौन, बोले श्री किशोर जी श्री राधा रानी में उन्होंने स्थापन किया है। लेकिन इसी श्लोक को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इसी श्लोक को उन्होंने व्याख्या करते हैं, बोले सत्यम परम धीमहि बोलकर किसको स्थापन करते हैं, वो कहते हैं राधा भाव दुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम,
इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु में ही जन्मादस्य जतः जिनसे आदिरस की प्रकट होता है। महाप्रभु कौन है? रसराज महाभाव रूप श्री, श्री कौन? रसराज महाभाव रूप कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जब तक भक्तों की, महाप्रभु की भक्तों की अनुगत्य में जब तक हम शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे ना भैया, तब तक शास्त्र का सिद्धांत को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए महाप्रभु जब उन्होंने बताया इस सब श्लोक को उठा करके, बोले भैया कारण क्या है, क्यों ये लक्ष्मी चाहती है कृष्ण के संग को क्यों चाहती हो, तो वैकुंठ में रहने वाली महा ऐश्वर्य में। तो महाप्रभु ने का कारण बताए, कृष्ण के अंदर में विशेष करके चार गुण है जो और किसी को अंदर में नहीं, नारायण के अंदर में 60 ही गुण है। बोले ये चार गुण क्या है? बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मानस आकर्षी मुरली कल कुजिता असो मानार्थ रूप श्री भीष्म पीत चराचरम। उन्होंने जब बताए कृष्ण की जो लीला माधुर्य है, कृष्ण का जो वेणु माधुर्य, कृष्ण का जो प्रेम माधुर्य, और विशेष करके कृष्ण का जो रूप माधुर्य है अद्भुत है। त्रिजगत त्रिजगत मानसाकर्षी, जिनका रूप इतने सुंदर रूप कृष्ण की, इतने सुंदर रूप कृष्ण की, अद्भुत रूप कृष्ण की, जिस रूप को देख करके कहते लक्ष्मी भी यहाँ पर बैठ कर तपस्या कर रही है। कहते लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण जब कृष्ण की माधुरता सुनते हैं, द्वारका में बच्चों को चोरी करना उन्होंने शुरू कर दिया। बोले नारायण की बात छोड़ दो, कृष्ण और माधुर्य देखी वासुदेव को, वही कृष्ण जब वसुदेव नंदन जब ब्रजेंद्र नंदन की कथा सुनते हैं इनकी मन में खोब हो जाता है। कृष्ण माधुर्य बल इनकी बात छोड़ दो, कृष्ण इतने सुंदर है। ब्रज का कृष्ण जब अपना रूप को उन्होंने मणि स्तंभ में प्रतिबिंब होते हुए देखते हैं, कहते अपरकलित पूर्वम कश्च मत कारकर, ये कौन है इतने सुंदर, ये अलवेल का रूप कौन है? कृष्ण स्वयं कहते काम है राधा, कम में राधा रानी का रूप लेकर के कम में ये स्वरूप का आलिंगन करो। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के श्री सचिनंदन श्री गौर हरि रूप में आते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब उन्होंने कृष्ण की माधुर्य की भाव उन्होंने बताए, हमारे वेंकट भट्ट तो सुन सुन के दंग रह गया। भैया मैंने तो पढ़ा था, ये सब चीज तो मेरे को मिली ही नहीं, ये सब चीज तो मिली ही नहीं हमें। इसलिए ये अद्भुत, इसलिए माँ लक्ष्मी, इसलिए अभी तीर्थ मार्ग बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। इसलिए जो रति तीन तरह का रति है, लक्ष्मी क्यों यहाँ तपस्या कर रही है, कारण क्या है? बोले कारण है, बोले तीन तरह का रति है। एक है साधारण रति, एक है सामंजस्य रति, और एक है समर्था रति है। बोले कुब्जा की जो रति है कृष्ण का प्रति, कहती है साधारण रति, बस कृष्ण को बात ही पकड़ कर चलो मेरे घर में ले चलो, इसलिए नहीं कि साधारण रति। सामंजस्य रति महिषियों का सामंजस्य रति, वो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं, उसको साथ में बच्चे भी है, परिवार है। लेकिन जो गोपियों का जो प्रेम है ना, कहती है समर्था रति। समर्था रति मतलब क्या? ये कृष्ण शिवाय और किसी को उन्होंने अपना मन प्राण नहीं दिए। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते, उद्धव जो गोपियां है ना, मन मनमस्का, ये अपना मन को मेरे को छोड़ करके और किसी को उन्होंने नहीं दिया। इसलिए कृष्ण जहाँ पर रासों में कहते हैं, हे ब्रज गोपियां, ब्रह्मा जैसे मैं परमायु लेकर के भी तुम्हारी ऋणी को मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने जो मेरे को प्रेम किया सारा दुनिया को छोड़ करके, केवल एक बैंड रूप में केवल तुम लोगों ने मेरे को प्रेम किया और किसी को तुम लोगों ने प्रेम किया ही नहीं। इसलिए माँ लक्ष्मी यहाँ पर बैठ करके देखो, गुरुदेव कहते थे कृष्ण जिस समय पैठा में चतुर्भुजों को धारण किया है, चतुर्भुजों को उन्होंने धारण किया, उसी समय में गोपियां तो आई, लेकिन आ करके उन्होंने चतुर्भुज रूप को दर्शन करते हुए उनको प्रीति नहीं हुई। उन्होंने पूछे, हमारे श्याम सुंदर कहीं देखे हो, हमारे श्याम सुंदर कहीं हो? लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी गुरुदेव कहते लक्ष्मी, लेकिन जब कृष्ण की माधुर्य की सौंदर्य तक श्रवण की, कहते बिहाय कमान सुचिर धृत व्रता, उनने सारे वैकुंठ के सुख को छोड़ करके कठोर तपस्या कर रही है। अभी हमारे महावीर महाराज के प्रश्न कर रहे थे ना, कहते भाई जीविका के स्थायी भाव होता है एक स्थायी भाव, फिर ये लक्ष्मी फिर क्यों फिर वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पर क्यों तपस्या कर रही है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अभी तक भी लक्ष्मी, विश्वनाथ चक्रवर्ती डायरेक्ट कह रहे हैं, अभी तक भी लक्ष्मी
इन्होंने कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए। अभी भी यहाँ बैठ करके अभी भी वही तपस्या कर ही रहे हैं। और एक स्वरूप में यहाँ पर तो राधा जी कहते ना, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आमनाय वाणी। ये लक्ष्मी सब कौन है? ये राधा रानी के एक तरह का प्रकाश है, राधा रानी का एक तरह का ये कायव्य है। ये विभिन्न रूप में कृष्ण सेवा करती है। अगर इनकी मन में कृष्ण संग की लालसा भी हो ना, उसमें कोई दोष है नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इसमें एक है, इसलिए ये तो करते, लेकिन ब्रज के कोई भी व्यक्ति जैसे गोपियां राधा रानी, इन लोगों ने कभी राणा नारायण स्वरूप देख करके भी इनकी मन में कभी भी वो सेवा पाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? ये सबके सब परिपूर्ण है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अगर किसको ब्रज भक्ति पाने की इच्छा है, किसको राधानुगा भक्ति प्राप्त करने का इच्छा है, क्या करनी चाहिए? वो कहते हैं कथा मुक्ति व्याघ्रा कील सर्वात्म किलिनी। खबरदार, कभी मुक्ति की बात मत सुना अपने। और क्या है लक्ष्मी? हाँ, त्यक्त्वा क्या अपने त्यक्त्वा लक्ष्मी तब व्यमनायिनी। भैया लक्ष्मी का तरफ में मत जाया करो, लक्ष्मी के तरफ में जाओगे ना, नारायण लक्ष्मी अगर कथा सुनोगे फिर वो तुरंत खेच करके कहाँ ले जाएगी? तुम्हें ले जाएगी बैकुंठ ले जाएगी। खबरदार, उस तरफ में कभी जाना नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राग वर्त चंद्रिका ग्रंथ में अद्भुत, ये ग्रंथों को सबको पढ़नी चाहिए। राग वर्त में चंद्रिका, हम लोग जिस धारा में आए हैं वो धारा की कितने महत्व है, भाव साबल्य, भाव विरुद्ध, भाव अविरुद्ध और भाव भाव भावमय। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अद्भुत रूप में, इसलिए हमें किसकी संग करनी चाहिए? इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सजातीय आशय सिद्ध साधु संग सतबरे। भैया साधु सावधान, ऐसे नहीं कोई कथा बोल रही है वृंदावन में भागो उसको पीछे भागो। कुछ लोग ऐसे सब जगह में ना मुंह मारने का उनकी स्वभाव है, यहाँ मुंह मारो, वहां मुंह मारो, वहां मुंह मारो, वहां थोड़ी भी चले जाए, वहां भी थोड़ी चले जाए, यहाँ किया नहीं। भैया मुंह मत मारा करो, मुंह नहीं मारनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी मना करते हैं, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं खबरदार ये कान रूपी दोणा, ये दोणा है ना, किस लिए दोणा बनाया? मतलब कृष्ण रस को पान करने के लिए दोणा बनाया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कान रूपी दोणा सबको मत दिया करो, मना कर, जिसका संबंध ज्ञान नहीं है ना उसको मत दिया करो। जिसको तिसको पास में जाओगे सुन करके, तुम्हारी जो राग भक्ति है, श्री राधा रानी ने क्या की, कोई एक साधु था उसने कभी इच्छा हुई, राधा कुंड में भजन करते थे, कभी इच्छा हुआ थोड़ा द्वारका घूम करके आए। अभी बोले भैया द्वारका जरूरत नहीं पड़ रहा है, भजन कर रहा हूँ। किसी ब्रजवासी बोले चलो कोई द्वारका जाना चाहता हूँ, खर्चा पानी की कोई चिंता मत करो, मैं सारे खर्चा पानी दूंगा। बोले कभी तो इच्छा हुई थी, बोले चलो, बोले जरूरत नहीं, बोले चिंता मत कर, मेरे कोई संगी नहीं पैसा खर्चा दूंगा। बोले चलो गए वैकुंठ, गया द्वारका गए और वहां पर छाप लगा करके आ गए। लगा करके जब राधा कुंड में भजन करने के लिए आए ना, पहले जो मस्ती आती थी, आनंद आती थी, उनका मन और भजन में नहीं लग रहा है, राधा रानी के चरण की चिंता नहीं हो रहा है। इतने में बोले हे राधे आप क्यों चिंतन में नहीं आ रहे हो, छटपट करना लगे। इतने में आकाशवाणी हुई, इसी जीवन में और मेरा दर्शन प्रेम तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हें मिलेगी नहीं। बोले जब राधा जी क्यों तुमने छाप लगा करके आ गया, मेरे चरण में क्या कमी थी? तो उन्होंने वहीं पर बैठ करके शरीर से जोगाग्नि को द्वारा उन्होंने अपना शरीर को त्याग किया। साधु सावधान, इधर उधर मत जाया करो, गौड़ीय वैष्णव का संग छोड़ करके ना। और हमारे जो गुरुदेव भक्तिवेदा नारायण गोस्वामी महाराज, इन्होंने हमारे ये माधव महाराज बोल रहे थे ना, हमारे संप्रदाय में जितने अच्छी कथाएं हैं, जितने सिद्धांत रसयुक्त तो कही देगा ना, सारे वक्ता अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही बात कोई बोले ही नहीं, सबके सब अलग अलग बात कहां से मिले? भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की, इनसे ही मिले। इसलिए इधर उधर भैया मुंह मत मार करो, हमारे गुरुदेव ने जो देख रहे गया हमारे साधुओं को, इनके शरण में रहो, भजन करो, बस इससे ही सब कुछ तुम्हें मिलेगा। निताई गौर प्रेमानंद हरी हरि। हाँ देखो हम पाताली मायरा और सब लोग रहा, ये गेट में ना, गेट में 10-10 रुपया ज्यादा दे सकते हो तो ब्रह्मचारी सन्यासी की अच्छी बात है, लेकिन 10 रुपया से कोई कम नहीं देना। वहाँ पर 10% तक कोई कम, फांकी मारते चेष्टा करवे ना, कितना नौका वाला का ना दे लेना तुम्हारे।